इस सवाल में आपको एक सर्किट दे रखा है जिसमें तीनों पे कैपेसिटेंस, तीनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और तीनों के ऊपर चार्ज के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज देखते हैं कि ये दोनों कैपेसिटर्स आपके लगे हुए हैं पैरेलल में, इसलिए V2 इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू V3। इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि दोनों पैरेलल में लगे हैं। आपको ये भी दे रखा है कि इनिशियली सब पे चार्ज जीरो है, इसलिए हर नोड पे फाइनली भी चार्ज जीरो ही होगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज प्लस इस प्लेट का चार्ज निकाल लूं तो इस टोटल चार्ज कितना होगा, जीरो। तो कितना हो जाएगा यहां पे चार्ज, Q2 प्लस Q3 माइनस Q1 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। तो एक रिजल्ट आ गया हमारा, Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। दूसरे रिजल्ट के लिए मैं यहां पर इस लूप की इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या होगा, प्लस V, यहां पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, माइनस V1, यहां भी पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव प्लेट तक जा रहे हैं, माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू V1 प्लस V3। एंड एज यू नो V2 इज इक्वल टू V3, हम कह सकते हैं ऑल्सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V की वैल्यू V1 प्लस V3 के बराबर भी है और V1 प्लस V2 के बराबर भी है, क्योंकि V2 और V3 इक्वल है। एट द सेम टाइम Q1 की वैल्यू है Q2 प्लस Q3 के बराबर। एक ये रिजल्ट आया हमारा नोड की इक्वेशन लिख के, ये रिजल्ट आया हमारा लूप की इक्वेशन लिख के। तो जिस भी ऑप्शन में ये चीजें दे रखी हैं, एक्सप्रेशन दे रखे हैं, वो ऑप्शंस करेक्ट है।